This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 10 वाक। तो ये क्या है, ये कविता है और हम लोग स्टेंस बाय स्टेंस एक एक पंक्ति को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेंस है उसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो कवित्री हैं वो नाव की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हुए कहती हैं कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वे इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुने और उन्हें इस ज़िंदगी से पार करें। तो वो इस सोच के अंदर हैं कि भगवान कब उनकी पुकार सुनेंगे और ये जो ज़िंदगी है उससे उन्हें पार करेंगे, और वो बहुत इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है कि उससे नित्य पानी टपक रहा है। मतलब उन्होंने अपने शरीर की जो तुलना है वो एक कच्चे ढांचे से करी है। जैसे जो कच्चा ढांचा होता है ना, उससे आपने देखा होगा कि पानी टपकता रहता है और वो कमज़ोर पड़ता रहता है, इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो वो ये बताती हैं कि प्रत्येक दिन जो उनकी उम्र है वो कम होती जा रही है। उनके जो प्रभु मिलन की जो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग प्रयास करे थे वो सब व्यर्थ जा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी उन्होंने चीज़ें या जो भी तकनीक लगाई थी भगवान से मिलने की, वो सब एक तरीके से व्यर्थ होती जा रही हैं। उनकी जो प्रभु से मिलने की व्याकुलता है वो बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको गिलानी हो रही है। तो क्या है कि उन्हें थोड़ा बहुत दुख हो रहा है असफलता प्राप्त होने की वजह से। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की जो जल्दी है वो क्या करती जा रही है, घेरे हुए है। तो क्या हो रहा है कि उनके मन के अंदर ये चीज़ भरी हुई है कि वो भगवान के पास नहीं जा पा रही, और ये चीज़ क्या है, उन्हें मन ही मन बहुत दुख पहुंचा रही है। सेकंड स्टेंस के अंदर कवित्री ने जीवन में संतुलन का महत्व बताया है और स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। तो यहाँ पर कवित्री ये बताना चाहती हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अब और बड़ी गाड़ी चाहिए, अब और बड़ा मकान चाहिए। तो इसी चीज़ में लोग क्या हो जाते हैं, घूमते रह जाते हैं और अपने जीवन के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। जिस दिन इसी वजह से वो लोग क्या बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, और जिस दिन वो अपने इस स्वार्थ का त्याग कर देते हैं तो वो त्यागी बन जाते हैं और अहंकार के अंदर आ जाते हैं फिर वो त्यागी बन के, और इसी वजह से उनका फिर विनाश शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर तुम किसी चीज़ को लेना चाहते हो तो कवित्री बोल रही हैं कि तुम क्या बन जाते हो, लालची बन जाते हो, स्वार्थी बन जाते हो। अगर तुम त्याग देते हो तो तुम अहंकारी बन जाते हो। मतलब क्या कि तुम्हें लगने लगता है, अरे मैंने तो ये भी छोड़ दिया, मैंने तो वो भी छोड़ दिया, अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे को तो किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कवित्री ने इस चीज़ को समझाया है। लेकिन अगले जो पंक्तियाँ हैं उनमें कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इन दोनों को एक संतुलन के अंदर रखता है, मतलब कि त्याग को भी, और हमने देखा कि जो भोग उपभोग होते हैं, इन दोनों को एक संतुलन के अंदर रखता है, बराबर मात्रा में रखना चाहता है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। इसी कारण हमारा जो हृदय है उसमें उदारता आएगी और हम अपने पराए से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। तो जो समांतर हम लोग समांतरता सीख जाएंगे, जो भी हमारा संसार है सब लोगों को एक ही तरीके से इक्वली ट्रीट करने लग जाएंगे, अगर हम इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करना सीख जाएंगे, किसके बीच में, त्याग और भोग उपभोग के बीच में। थर्ड स्टेंस के अंदर कवित्री ने ये बताया कि उन्हें परमेश्वर को पाने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए क्या करा, उन्होंने जो सामान्य भक्ति मार्ग होता है उसको ना अपना कर उन्होंने हठ योग का सहारा लिया। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, हठ योग करना शुरू करा। अब ये बहुत डिफरेंट होता है जो नॉर्मल लोग भक्ति करते हैं भगवान से उसकी। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा कि डायरेक्टली भगवान से कनेक्शन बनाना चाहा, और इसी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। धीरे धीरे करके उनकी उम्र बढ़ती गई और उम्र बढ़ने के साथ, लगातार आयु बढ़ने के साथ वो भगवान से ना मिल सकी। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब
तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके जीवन की जो संध्या थी वो नज़दीक आ गई थी, मतलब कि अब उसकी जो जिंदगी थी कवित्री की वो अब जल्दी ही ख़त्म होने वाली थी, अर्थात उसकी मृत्यु करीब थी। जब उसने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा किया तो उसने पाया कि वो बहुत सारी और चीज़ें कर सकती थी अपने जीवन के अंदर, लेकिन उसने वो जो हठ योग वाला रास्ता था उस पर वो लगी रही। उसी वजह से उसने अपने जीवन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करा, ज़्यादा कुछ लोगों की वो मदद नहीं कर पाई। अब कवित्री को परमात्मा से मिलने हेतु भक्ति भवसागर को पार करना ही एकमात्र रास्ता था उसका, और इसको पार करने के बाद कवित्री के दिमाग के अंदर एक सवाल आता रहता था कि वो जब परमात्मा से मिलेगी तो वो ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी कि उसने अपने जीवन के अंदर कुछ भी हासिल नहीं करा और साथ ही ना ही कोई पुण्य कर्म करा। जो किया उसने सिर्फ और सिर्फ हठ योग करा, और वो भी परमात्मा से मिलने के लिए। उसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कर्म किया था और ना ही कोई उदारता दिखाई, मतलब किसी की हेल्प करी हो या दया करी हो। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा कर रही है, मतलब अब उसे क्या लग रहा है, अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती करती, पर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि जो समय एक बार बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। तो इसी चीज़ को लेकर कवित्री पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। फोर्थ टेंस के अंदर कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, मतलब कि हर जगह भगवान है, छोटी से छोटी चीज के अंदर भी वे सबके हृदय के अंदर मौजूद हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि अगर कोई हिंदू है तो उससे भेदभाव करने लग जाओ तुम, अगर कोई मुसलमान है तो तुम उससे भेदभाव करने लग जाओ, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो उसे स्वयं अंदर झाँक कर अपने आप को जानना चाहिए, यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। तो यहीं पर जो ये हमारी छोटी सी कविता है ये ख़त्म होती है। काफ़ी अच्छी सी कविता थी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से और भी क्लास 9th के चैप्टर्स ज़रूर देखिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड एग्ज़ाम। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।